नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप किस बैंक से सबसे ज़्यादा FD के रेट पे अपने पैसे को लगा सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो ऐसा एक बैंक है जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। जैसा आप देख सकते हैं, ये कोटक महिंद्रा बैंक की एप्लीकेशन है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसमें जो है आप सबसे ज़्यादा FD पे रेट्स ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट करके इसमें फ़ायदा कमा सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आज जो कि लगभग 24-25 अक्टूबर 2018 है, तो उस पे क्या रेट चल रहा है कोटक महिंद्रा बैंक में। तो आप देख सकते हैं, ये FD का ऑप्शन है, फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट। तो हम इस पे क्लिक करके देखेंगे क्या चल रहा है FD का रेट। और अन्य बैंकों में, जैसे आपको पता है कि जो नॉर्मल रेट होता है सेविंग पे, वो लगभग 3.5% चल रहा है, और FD पे लगभग 6% के आसपास जो है FD रेट देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कोटक महिंद्रा बैंक में, अब हम देखेंगे, ये देखिए FD के रेट लोड हो रहे हैं। तो ये देखिए, सबसे ज़्यादा रेट जो है, देखिए 180 दिन के लिए 7%, 270 के लिए 7, और ये देखिए 390 दिनों के लिए सबसे ज़्यादा 7.40% पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप केवल 390 दिनों के लिए आप करते हैं। तो नॉर्मली जो है FD पे 6% जो है इंटरेस्ट मिल रहा है और बैंकों में, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 390 दिनों के लिए 7.40%, यानी कि लगभग 1.5% का इसमें फ़ायदा है, और ये काफ़ी ज़्यादा होता है दोस्तों। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं, ज़रूर उठाएं, और ये आप कोटक महिंद्रा बैंक में उठा सकते हैं। और इनकी एक और स्कीम भी है, जैसे नॉर्मली आपका जो जो सेविंग अकाउंट पे पैसे मिल वो जो इंटरेस्ट मिलता है वो 3.5% मिल रहा है, पर इनका जो है सेविंग अकाउंट पे 5% ये इंटरेस्ट देते हैं। अगर आपका जो जो पैसे जो हैं आपके 1 लाख रुपए हैं सेविंग बैंक में, तो ये 5% मिलेगा आपको उसका, जो 1 लाख रुपए से ज़्यादा रखेंगे अपने सेविंग अकाउंट में, तो उसमें भी 5% आपको मिलेगा। तो ये आपको बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमने दी, तो आप देखिए कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है आप अपना फ़ायदा ले सकते हैं अपने पैसे का, जो सेविंग अकाउंट्स में आप रखते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इसे जो है वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर